वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, हम लोग हर जगह पढ़ते हैं लेकिन हम क्यों करते हैं। अब आप समझ लें कि आपने एक बॉक्स लिया हुआ है और उसके अंदर आपने अपनी सारी ज्वेलरी फेंकी हुई है। अब उसी के अंदर आपके इयर रिंग्स हैं, उसी के अंदर आपके ब्रेसलेट्स हैं, उसी के अंदर आपके नेकलेसेस हैं, उसी के अंदर आपने अपने पेंडेंट्स फेंके हुए हैं, तो वो सारी कहलाएगी तो ज्वेलरी, लेकिन वो एक डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में है, आप उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए आप उनको अगर ग्रुपिंग कर दो, तो एक में आपने नेकलेसेस रखे हैं, एक में पेंडेंट्स रखे हैं, एक में रिंग्स रखी हैं, तो आपको वक्त पर आपकी चीज़ मिलेगी। इन द सेम वे हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई करते हैं ताकि हम उनको कन्वीनियंटली स्टडी कर सकें, नंबर टू उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें, इसके अलावा उनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करने में आसानी हो जाती है और हमें समझ में आती है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से कोई ताल्लुक है या नहीं है। इसके अलावा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी बहुत ईजी हो जाती है, फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाना आसान हो जाता है, विच मीन्स के दो माइक्रोब्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे, या अगर उनके जीन्स मिल रहे हैं तो हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके दरमियान कोई ना कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या इनका फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो सेम ही है। तो यही वजह है कि इन चार मेन रीजंस की वजह से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं।